Welcome to Insight Tech. Here we will learn about power transmission element and control system. आज हम सबस्टेशन इक्विपमेंट में सीटी के बारे में जानेंगे. सीटी करंट ट्रांसफार्मर उसका ये सिंबल है और सीटी का जनरल अरेंजमेंट इस तरह से होता है. तो करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है? करंट ट्रांसफार्मर एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में करंट को ट्रांसफॉर्म करता है. उसका रेशियो होता है जैसे कि 100 बाय 1 एम्पियर, 300 एम्पियर बाय 1 एम्पियर और सो ऑन. तो जैसे प्राइमरी में 100 एम्पियर पास हो रहे हैं तो उसका सेकेंडरी जो है उसमें 1 एम्पियर पास होगा. वो 1 एम्पियर के ऊपर हम उसको कंट्रोल करेंगे, यानी कि अगर प्राइमरी में कुछ फॉल्ट है तो रिले सेकेंडरी जो वाइंडिंग में करंट है उसके ऊपर से डिटेक्ट करके वो फॉल्ट को रिमूव करेंगे. और वैसे ही मेजरमेंट्स भी होते हैं. तो जो अपना KWH मेजरमेंट है वो इससे होता है. सबसे पहले कितने टाइप्स की सीटी होती है वो देखते हैं. उसमें होती है एपॉक्सी सीटी, ऑयल फील्ड सीटी. ऑयल फील्ड सीटी में लाइव टैंक सीटी और डेड टैंक सीटी और ऑप्टिकल सीटी, इतने प्रकार की सीटीज अभी यूज में है. उसमें अगर हम एपॉक्सी सीटी देखें तो एपॉक्सी सीटी इस तरह की होती है, 11 केवी और उससे बिलो में सबस्टेशंस में ये सिटी का यूज होता है जो इंडोर सिटी कहलाती है. ऑयल फील्ड सिटी में लाइव टैंक सिटी, तो लाइव टैंक सिटी में जो अपना सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो टॉप पे होता है, यानी कि प्राइमरी जो होता है उसके आसपास, तो उसे लाइव टैंक सिटी बोलते हैं. डेड टैंक सिटी में जो सेकेंडरी होता है वो ग्राउंड की ओर होता है, यानी कि लाइव पोर्शन अंदर से नीचे आएगा और फिर से ऊपर जाएगा, तो उस तरह से उसे डेड टैंक सिटी बोलते हैं. देन हाँ, लाइव टैंक सिटी और डेड टैंक सिटी में क्या फर्क है वो यहाँ पे दिखाया गया है. जैसे मैंने बोला कि लाइव टैंक सिटी में जो सिटी का सेकेंडरी पार्ट होता है वो लाइव पोर्शन के आसपास होता है, यानी कि ऊपर की ओर, और डेड टैंक सिटी में वो नीचे की ओर होता है. ये डायग्राम से आप वो जान पाएंगे. ऑप्टिकल सिटी अभी ये नया सिटी इंट्रोड्यूस हुआ है. उसमें लाइट की जो इंटेंसिटी है उसके ऊपर से मेजरमेंट किया जाता है कि कितने एम्पियर पास हो रहे हैं प्राइमरी में से. ये एक अपना डेड टैंक सिटी है, ऑयल फील्ड सिटी. तो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है वो हम देखते हैं. सबसे पहले ऊपर एक जो सिटी का बेलो होता है उसका एक कवर है. उसके अंदर रबर बेलो या तो स्टील बेलो होता है. तो जो ऑयल होता है वो डायरेक्ट एटमोस्फेरिक या जो एटमोस्फेयर होता है उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होता है. फिर प्राइमरी कॉन्टेक्ट्स है, वहाँ पे हम प्राइमरी कनेक्शंस फिट करते हैं. फिर पोर्सेलिन पार्ट आता है जो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है अर्थ से. फिर इंटरनल करंट पार्ट जो प्राइमरी होता है वो कॉपर का अंदर नीचे तक जाता है और फिर से ऊपर प्राइमरी में सेकंड स्टड में वापस आता है, और नीचे की ओर एक ट्रांसफॉर्मर जैसा बना हुआ होता है. फिर सिटी का मेटल बॉडी जहाँ पे अपना सेकेंडरी वाइंडिंग होता है. फिर ये सेकेंडरी कोर है. तो जैसे ट्रांसफॉर्मर में कोर होता है वैसे ही सिटी के अंदर भी कोर होता है और उसके आसपास कॉपर की वाइंडिंग्स होती है. यहाँ पे है सेकेंडरी वाइंडिंग का पार्ट,
तो सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ से निकलती है। फिर सीटी में एक टेन डेल्टा पॉइंट होता है जहाँ से हम सीटी का टेन डेल्टा वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कभी हम आगे देखेंगे। जिससे इंसुलेशन प्रॉपर है या नहीं वो देख सकते हैं टेन डेल्टा से। जैसे कि आगे बात हुई कि करंट सीटी करंट ट्रांसफॉर्म करता है, तो किस तरह से होता है वो एनिमेशन में देख पाएंगे कि यहाँ पे 300 एम्पियर प्राइमरी में पास हो रहा है, तो इस तरह से पास होगा 300 एम्पियर, तो सेकेंडरी में से 1 एम्पियर करंट आउटपुट निकलेगा जिसको हम मेजरमेंट या तो प्रोटेक्शन में यूज कर सकते हैं। अभी जो सेकेंडरी है वो किस तरह से होती है तो वो देखना है। तो सेकेंडरी में यानी कि प्राइमरी तो P1 P2 प्राइमरी 1 प्राइमरी 2, तो सेकेंडरी में भी सेम होता है कि S1 S2 और यहाँ पे ड्यूअल रेशियो होता है तो S3 होता है। और सेकेंडरी में कितनी कोर्स है उसके ऊपर वहाँ पे उसको नोमेनक्लेचर दिया होता है। जैसे कि फर्स्ट कोर है तो 1S1 1S2 1S3, यही चीज हम आगे भी देखते हैं। जैसे आगे हमने देखा जैसे इलेक्ट्रिकल डायग्राम सीटी का कैसा होता है, तो इलेक्ट्रिकल डायग्राम में प्राइमरी जो होती है उसमें P1 P2 ऐसा होता है, और सेकेंडरी जैसे कि हमने देखा था कि S1 S2 S3 ड्यूअल रेशियो है इसलिए S3 तक गया है, अदरवाइज S1 और S2 होता है। और कोर जितनी भी होती है तो कोर के नंबर्स भी वैसे S1 के आगे दिया होता है। ये हमने जो आगे देखा था कि सेकेंडरी बॉक्स कैसे दिखता है, और ये जो कोर्स होती है वो अलग अलग एक्यूरेसी क्लास से होती है। तो जो फर्स्ट कोर है वो 0.5 क्लास है, यानी कि इस कोर में मेजरमेंट में 0.5% की एरर आ सकती है। अभी जो सेकंड कोर है तो वो कोर है 5P10। इसका मतलब है कि जब सीटी में 10 टाइम्स करंट पास होगा तब 5% की एरर आ सकती है। तो यहाँ पे अगर सीटी 300 एम्पियर बाय 1 की है और उसमें 3000 एम्पियर पास होते हैं तब 5% की एरर आ सकती है। और जो थर्ड क्लास है वो है स्पेशल प्रोटेक्शन क्लास, कि इसमें बहुत ही कम एरर आती है, यानी ये समझिए कि इसमें एरर आती ही नहीं है। अभी ड्यूअल रेशियो किस तरह से है तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एक रेशियो है 50 एम्पियर बाय 1 और दूसरा रेशियो है 75 एम्पियर बाय 1। तो 50 बाय 1 कैसे होता है, तो अगर प्राइमरी जॉइंट है अपनी तो सेकेंडरी में S1 और S2 लेंगे तो 1 एम्पियर आएगा, तो 50 एम्पियर बाय 1 का रेशियो होगा। और अगर S1 और S3 लेंगे तो 75 एम्पियर बाय 1 का रेशियो रहेगा। बाकी इसमें जो दिया गया है बर्डन है कि सेकेंडरी का बर्डन कितना है, वैसे ही यहाँ पे एक्यूरेसी क्लास जो हमने देखा वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे सबस्टेशन में सीटी किस तरह से होती है, क्या काम करती है और कितने टाइप्स की होती है वो सब हमने देखा। अभी जो सीटी का वायरिंग होता है वो किस तरह से होता है वो हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। देन काइंडली वॉच द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।